सर अचानक से जैसे ब्लास्ट हुआ है किसी चीज़ का और तुरंत मकान वकान सब गिर गया है। किसका मकान है ये? रिंकू का मकान। कितने लोग दबे हुए बताए जा रहे हैं? दबे अभी दो लोग ऊपर मस्जिद में दबे हुए हैं। जो गैस का सिलेंडर था उसके फटने से ये घटना घटित हुई है। उसके फटने की प्रेशर से लोग दब गए। तत्काल पुलिस को सूचना हुई, तुरंत पुलिस पहुंची, एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आ गई और अभी भी लगी हुई है और करीब 5 लोगों को रेस्क्यू कराया जा चुका है। एक की डेथ हो गई है और अभी एक व्यक्ति की संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक अंदर है, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस इन प्रोसेस हैं। मुझे उम्मीद है शीघ्र ही किए जाएंगे, शीघ्र ही रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएंगे। सर जिस तरीके से बातें बताई गई लोकल लोग द्वारा कि यहाँ पर पटाखे भी बेचा करते थे, ऐसा कुछ संज्ञान में आप लोग आया है? देखिए ये बारूद की आ रही है पूरे इलाके में। देखिए ये चीज़ बताई गई है तो ये जांच का विषय है, इस पर जांच की जाएगी और अगर ये थी तो इस थ्योरी को देखा जाएगा। अभी जो फॉरेंसिक की टीम भी हमारी आ गई है, वो जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा, मलबा हट जाएगा, उसके बाद वो शुभ रूप से इसकी जांच भी करेगी। अभी जो रेस्क्यू हो रहा है, अभी जो फटे हुए हैं जी, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद ही कुछ टिप्पणी की जाएगी, अभी चल रहा है प्रोसेस में। अभी मेरे पास डिटेल्स नहीं है, आपको बता देंगे। थैंक यू। लहरतारा क्षेत्र में अभी फ्लाईओवर के नीचे एक मकान में तेज धमाके के साथ ही मकान बुरी तरह से गिर गया है और अब तक उसमें 4 लोगों के मलबे में दबे होने की बात सामने आ रही, जिसमें से एक लोगों की मौत की पुष्टि भी की जा रही है। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।